हाय गाइस, हाय गाइस, दिस इज कुमारेश एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल सीएनसी बीएमसी एंड ऑटोमेशन ट्रैवल शूटिंग। आज मेरा जो सीएनसी है उसमें एक अलार्म दिया 701 ओवरहीट फैन मोटर। इसका मतलब है मेरा ये जो कंट्रोलर है, एक कंट्रोलर के पीछे जो एचएमआई है उसका जो फैन मोटर है वो शायद वो जाम हो गया होगा और वो नहीं घूम रहा होगा। उसका जो आपका केबिल है, फीडबैक केबिल है, उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए तो मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम क्या है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरा जो पैनल है, पैनल का पीछे जो आपका कैबिनेट है वो खोल के देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ये जो आपका पैनल है तो देखिए यहाँ पे दो फैन है, एक फैन तो चल रहा है, ये आप नहीं चल रहा है। ठीक है, ये आप नहीं चल रहे, ये तो देखिए ये वाला फैन जाम हो गया, पूरा जाम हो गया। तो शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं आज आपको दिखाएगा वो फैन मोटर को कैसे बाईपास करते हैं। ठीक है, पहले क्या करेगा, मैं ऑपरेटर जाके पहले मेरा जो यहाँ पे जो मोड है मोड को हम MDI करेगा। MDI आ गया, MDI अभी क्या करेगा, ये जो है इसको इनेबल करना है राइट को। ठीक है, अभी क्या जाएगा पैरामीटर में, सिस्टम जाएगा, सिस्टम पैरामीटर, तो 8901 देखिए वो जो फैन है ये आपका जीरो है। तो इसको मेरे को क्या करना है, इसको मेरे को वन करना है। ठीक है, मैं वन कर दिया। वन करने के बाद यह क्या हुआ, राइट एनेबल फैन मोटर आ रहा है, अभी रिसेट मारेगा। अभी देखिए मेरा जो सिस्टम है इसमें देखिए फैन मोटर और अलार्म नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये आप एक दिन दो दिन चला सकते हैं लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि फैन नहीं चलने से वो आपका जो कंट्रोलर है वो हीट हो जाएगा और कंट्रोलर का जो कंपोनेंट है वो ख़राब हो सकता है। तो एक दिन दो दिन के लिए आप ये कर सकते हैं, कोई अर्जेंट होगा तो आज मैं आप लोगों को दिखाया कैसे फैन मोटर को बाईपास करता है। ठीक है, फैन मोटर ओवर अलार्म को। तो मेरा जो चैनल है और वीडियो पाने के लिए उसको सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करिए। ठीक है, तो फिर आप लोगों के साथ मीट होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू। और कुछ आप लोगों का अलार्म है, आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरा जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिए, जो आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेगा। चलिए, थैंक यू। हाँ।